closer. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी संट। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके साथ हॉलीवुड की बनी टॉप 10 ग्रेट हॉलीवुड मूवीज जिन्हें आप यूट्यूब पर फ्रीली देख सकते हो। इस लिस्ट के मोस्ट ऑफ द मूवीज बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी, जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, थ्रिलर ये सब कुछ देखने को मिल सकती है। और इस लिस्ट के सभी मूवीज के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हम देखते हैं कि 500 लाइक इस वीडियो के अंदर हम क्रॉस कर पाते या फिर नहीं। तो बिना ऐसे देरी के चलो इस लिस्ट को हम स्टार्टअप करते हैं। सो बात करते हैं इस लिस्ट की पहली मूवी की, जिसका नाम वुल्फ क्रैक 2, जो कि 2013 की बनी एक हॉरर और थ्रिलर बेस्ड मूवी है। 6.1 की रेटिंग के साथ इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। तो सबसे पहली बात, एक R-rated मूवी है और इस फिल्म की कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल अचानक से कहीं पर गायब हो चुके हैं, वो अचानक से लापता हो जाते हैं। ऐसे में इस मूवी की कहानी फोकस करती है पॉल के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि एक लड़की को जान बचाने के चक्कर में उसकी वाट लग जाती है। एक खतरनाक आदमी जो कि उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, वो अब उस लड़की के पीछे यानी कि पॉल के पीछे लग जाता है। इस मूवी के अंदर आपको R-rated सीन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और मूवी की कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आपको एक ग्रेट मूवी ढूंढ रहे हो तो इस मूवी को आप जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर हिंदी डब। सो बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 9 मूवी की, जिसका नाम है गुड नाइट मम्मी, जो कि 2022 के बने एक ड्रामा और थ्रिलर बेस्ड मूवी है। 5.6 के रेटिंग के बावजूद भी ये मूवी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस मूवी की मिस्ट्री स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो कहानी आपको एक घर की देखने को मिलेगी, जहाँ पर आग लगने की वजह से उस घर में एक औरत की शक्ल पूरी तरीके से जल जाती है। अब ऐसे में वहाँ पर दो बच्चे हैं, जो कि उन्हें ये लगता है कि यार वो उसकी असली मम्मी नहीं है। उन दोनों लड़कों को ये लगता है कि यार आग लगने की वजह से उनकी मम्मी शायद बदल चुकी है। क्यों और किस लिए और आगे स्टोरी क्या कुछ हो सकता है, वो जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। मूवी यूट्यूब पर तो नहीं है, लेकिन आप इसे हिंदी डब पर टेलीग्राम से या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके भी एंजॉय कर सकते हो। बात करें हमारे अगली मूवी की, तो नंबर 8 पर आती है G.I. Joe 2013 की बनी एक एक्शन और एडवेंचर बेस्ड मूवी है। कमाल की फिल्म है, जो कि आई थी 5.7 के रेटिंग के साथ। तो इस मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी G.I. Joe टीम की है, जिन्हें एक मिशन के द्वारा कुछ लोग मारने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में हमारी मूवीज की मतलब इस मूवीज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वो बच चुके हैं और वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार उनके ऊपर किसने हमला किया है। और इसी बीच उन्हें ये भी पता लगता है कि उनके जो असली प्रेसिडेंट है वो किसी ने किडनैप कर लिया उनको और उनके बदले कोई दूसरा ही प्रेसिडेंट बनकर घूम रहा है। अब ऐसे में आगे इस मूवी के अंदर आपको कमाल की एक्शन चीजें तो देखने को मिलेगी, लेकिन यार आई एम सॉरी, ये मूवी आपको यूट्यूब पर इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बदले मैंने एक और मूवी दे रखी है, जिसका नाम है नॉक नॉक, और वो मूवी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो G.I. Joe मूवी को अगर आप देखना चाहते हो हिंदी डब पर, तो टेलीग्राम से इस मूवी को देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो गुरु बात करते हैं लिस्ट नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है सीक्रेट इन देयर आईज, जो कि कमाल की थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्म है, जो कि आई थी 6.3 की रेटिंग के साथ। इस फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी आपको डिटेक्टिव रे की देखने को मिलेगी, जो कि उसकी जिंदगी में हो चुकी एक बहुत ही खतरनाक केस के बारे में इस मूवी के अंदर हमें पता लगता है। तो स्टोरी शुरू होती है डिटेक्टिव रे से, जिन्हें ये पता लगता है कि एक लड़की की बहुत ही बेरहमी से रेप और उसका मर्डर हो चुका है, लेकिन उसी जगह पे उन्हें कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी क्लू बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर किसी आदमी के ऊपर उनको शक भी होता है तो उनके खिलाफ मतलब कि उस आदमी के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब ऐसे में डिटेक्टिव रे इस केस को किस तरीके से सुलझाते हैं, ये आप इस मूवी के अंदर देखने वाले हो। कमाल की फिल्म यार, बिल्कुल भी मिस मत करना इस मूवी को। तो बात करते हैं लिस्ट के नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है किंग्समैन द गोल्डन सर्कल। ये कमाल की एक्शन और एडवेंचर फिल्म है, जो कि आई थी 6.7 के रेटिंग के साथ। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है इसके फर्स्ट पार्ट के बाद, जिसे मतलब कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट को देखा नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो को चेक कर सकते हो, वहां पर आपको इसका फर्स्ट लिंक देखने को मिल सकती है। तो इस पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी खतरनाक ड्रग्स की वजह से यानी कि लोग उस ड्रग को ज्यादातर लेने की वजह से स्टैचूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में किंग्समैन और दूसरी एजेंसी एकजुट हो जाते हैं ताकि वो उसी ड्रग सप्लाईज को या फिर जो भी उसके पीछे हैं उन सबको रोक सके। और फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट के अंदर आपकी बहुत ही कमाल की एक्शन और मूव्स देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा कड़क है। इस लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है अच्छी अच्छी मूवीज आपके साथ शेयर करने के लिए। इस लिस्ट के नंबर 5 मूवी शायद आपके दिमाग को घुमा सकती है और इस मूवी का नाम है लूपर, जो कि कमाल की टाइम ट्रेवल और साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। तो मूवी के अंदर कहानी एक लूपर की है, जिसे फ्यूचर से जितने लोग भेज दिए जाते हैं वो उसे मारने का काम करता है। बट एक दिन उसे ये पता लगता है कि यार उसके अलग ही रूप को यानी कि फ्यूचर के रूप को ही उसके पास भेज दिया जाता है ताकि वो उसे मार सके। अब ऐसे में इस मूवी की आगे स्टोरी क्या कुछ हो सकता है, वो जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए, बिल्कुल मिस मत करना, मूवी बहुत ज्यादा कमाल की है।
तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ, जो कि कमाल के एक्शन और कॉमेडी साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है, जो कि काफी ज्यादा सही है। 7.1 की रेटिंग इस मूवी को मिल चुका है। तो इस फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी एक सिंगल मदर की है, जो कि अपने दोनों बच्चों को लेकर उनके ग्रैंडफादर के घर पर ले आते हैं ताकि वो वहां पर रह सके। अब ऐसे में उन दोनों बच्चों को उस घर में कुछ चीजों के बारे में और उस घर के बारे में बहुत सारी मिस्ट्री स्टोरी पता लगता है। तो आगे स्टोरी क्या कुछ हो सकता है वो जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। सो बढ़ते इस लिस्ट की नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम है कुंग फू असली। डायरेक्टली कहूं तो एक मास्टरपीस मूवी है, जिसकी स्टोरी के बारे में हम बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। जस्ट मैं ये कहूंगा कि यार कुछ यूनिक देखना है, कुछ नए देखना है और कुछ क्लासी देखना है तो इस मूवी को आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। अगर आपने इस मूवी को आज से पहले भी देख चुके हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बोल सकते हो। सो बढ़ते इस लिस्ट की नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम है वॉचमैन, जो कि 2009 की बनी एक एक्शन और एडवेंचर बेस्ड मूवी है। 7.6 की रेटिंग के साथ इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। तो मूवी की बेसिक स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी आपको कुछ ऐसे सुपर हीरोज के देखने को मिलेगी जिन्हें कोई एक एक करके मारने की कोशिश कर रहा है। अब एक्चुअली इस मूवी के अंदर कहानी क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन ये जो मूवी है वो आपको YouTube पर इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, या फिर अगर आपको इंटरनेट से मूवीज डाउनलोड करना आता है तो इसे आप इंटरनेट से हिंदी में डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की तरफ, जिसका नाम है इनटू द वर्ल्ड। 2007 की बनी कमाल के ड्रामा और एडवेंचर फिल्म है, जो कि आई थी 8.1 की रेटिंग के साथ। डायरेक्टली कहूं तो इस मूवी को देखकर शायद आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। देखिए गुरु सच को तो यार कुछ मूवीज ऐसे होती हैं जो कि एक मूवी नहीं बल्कि एक मूवी से बढ़कर होती है। कुछ चीजें तो हैं जो कि हमें खुद ब खुद सिखाती है ये मूवीज कि हमारी जिंदगी कैसे और किस तरीके से हो सकती है। तो इस मूवी के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि यार कुछ अलग देखना है, कुछ एडवेंचर मूवीज देखना है, मतलब कि एडवेंचर चीजें देखना है तो इस मूवी को आप जरूर देखिए। कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट खत्म होती है। आई होप कि यार आपको आपकी पसंद की मूवी जरूर मिल चुका होगा, लेकिन इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम पर ऐड होने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मिलता होगा इसी नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर एंड गुड बाय।